हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आईबीओ 2 के ब्लॉक 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है? तो इट इज जनरली सेड दैट प्रोडक्ट्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स दैट आर बोर्न एट पर्टिकुलर टाइम, ग्रो सेल्स और डाई इमीडिएटली, फॉल सिक डिक्लाइन सेल्स एंड अल्टीमेटली इन मैनी केसेस डाई का मतलब क्या होगा? डिसअपीयरेंस फ्रॉम द मार्केट। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो किस तरह आता है? एक बच्चे की तरह आता है, जैसे बच्चे का एक बार जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है, उसी तरह प्रोडक्ट भी एक ऐसी स्टेज होती है, ऐसी कंडीशन होती है जब मार्केट में से कोई नहीं जानता होता लेकिन उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। धीरे धीरे उसकी सेल्स इंक्रीज होती है, जैसे कि एक बेबी बॉर्न धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ टाइम बाद कह सकते हैं उसका एक फुल लेवल पर डेवलपमेंट हो जाता है, एक हमारे प्रॉपर वे में मैच्योर हो जाता है। और उसके बाद जब एक मैच्योरिटी लेवल को छू लेता है वो प्रोडक्ट, अपनी उस लेवल पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं उसका जो फॉल होता है वो स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से खत्म ही हो जाता है। क्योंकि अब वो प्रोडक्ट आपके 20 साल पहले के हिसाब से था और आज के टाइम पे पब्लिक को नए प्रोडक्ट चाहिए, नए फीचर चाहिए। तो कुछ यही आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है कि किस तरह प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, ग्रो करता है, फिर उसकी कह सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचता है, फिर उसकी धीरे धीरे सेल्स जो होती है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आकर वो प्रोडक्ट एकदम डिसअपियर हो जाता है मार्केट के अंदर से। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो यही आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी लॉन्ग और शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द साइज, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट की एक ही तरह होती है। ये प्रोडक्ट का जो साइज है, मार्केट का साइज है, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्या नेचर है, उसके हिसाब से डिफर करती है। चेंज ऑफ कंज्यूमर्स हैबिट्स, चेंज देयर इनकम सोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट डिसाइड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। ये सब चीजें कह सकते हैं हमारे कस्टमर्स की हैबिट क्या है, इनकम सोर्स क्या है, या कह सकते हैं कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, ये सब भी डिसाइड करते हैं हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को। अगर अभी मार्केट में कोई एक ही प्रोडक्ट है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कह देंगे कि कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि जब एक सिंगल प्रोडक्ट है और कस्टमर के पास कोई और चॉइस नहीं है, कोई और कह सकते हैं ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें वही प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर अभी वहां पर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है या उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इलाइट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे कंपैरिजन टू ओल्ड प्रोडक्ट। कंटिन्यू मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंजेस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग एनवायरमेंट चेंजेस। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू टाइम के साथ मॉडिफाई करते रहो, चेंज करते रहो, जैसा कि आपका एनवायरमेंट बदलता रहे। लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज कि किस तरह हम लाइफ साइकिल को बढ़ा सकते हैं। On the nature of the product and the market, the number of strategies may be considered. First होती है reposition of product। इसमें क्या करते हैं? Change selling perception strategies। इसमें हमारा जो कह सकते हैं जो perception होता है product को sell करने का, वो हम change कर देते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करते हैं, पहले हम सेल क्या करते हैं oils को कि हाँ ये सरसों का तेल है या ये आपका refined है या sunflower oil है या coconut oil है। लेकिन अब हम क्या परसेप्शन यूज करते हैं कि आपका कह सकते हैं फैट फ्री है, आपका कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो हमने उसका परसेप्शन चेंज कर दिया है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी उसको प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो वो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको अपने आप इंक्रीज कर देगा। या नेक्स्ट फीचर होता है इसके अंदर, नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होती है न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर पुराने के साथ कुछ ना कुछ नए फीचर्स भी ऐड करते रहें जो कि उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ाता रहे, उसको मार्केट में अवेलेबल रखे, अपीयरेंस रखे उसकी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स थे, वो सिंगल डोर आया करते, टाइम के साथ क्या हुआ उन्होंने अपने आप को बदला और अब डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स आने लगे हैं। कई बार आप देखते हैं कि थ्री डोर रेफ्रिजरेटर्स है वो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या है, उन्होंने अपनी कह सकते हैं उनकी जो अपनी ब्रांड थी उसको मार्केट में एस्टेब्लिश रखने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए उसके अंदर नए नए मॉडिफिकेशंस किए गए, नए नए फीचर्स लेके आए। नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरह होती है? तो सबसे पहला हम एक आइडिया जनरेट करते हैं कि हमें क्या काम करना है, किस तरह अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, किस तरह का प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है। ये नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट आपका एक दिन के अंदर डेवलप हो जाता है, उससे पहले बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, कह सकते हैं सर्वेस किए जाते हैं और उसके बाद कोई एक आइडिया मिलता है, फिर उसके बाद आइडिया जनरेशन आइडिया मिल जाता है, फिर उसके बाद आइडिया इवैल्यूएशन, फिर उस आइडिया को चेक किया जाता है कि या कि ये आइडिया जो हमने जनरेट किया है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। फिर इसके बाद आपका इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आता है, फिर उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देखा जाता है।
इसके बाद जब प्रोडक्ट आपका डेवलप हो जाता है फिर उसके बाद उसकी टेस्ट मार्केटिंग करती है करते हैं, मतलब एक तरह से जो सैंपल बेस्ड सेल्स होती है उसको किया जाता है कि हाँ देखते हैं सेल्स करके जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस होएगा या नहीं होएगा। अगर वो हमारी टेस्ट मार्केटिंग में पास हो जाता है फिर उसके बाद हम उसका कॉमर्शलाइजेशन कर देते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं। और आपका जो कमर्शियलाइजेशन और टेस्ट मार्केटिंग का टाइम पीरियड होता है ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लोगों की प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट, लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड विच डज नॉट हैविंग बिगनिंग और एंड। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके नॉर्मली इसके अंदर दो ही दिए गए हैं, आप करने को और भी कर सकते हैं, नॉर्मली दो ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से ये डेवलपमेंट जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट प्रोसेस का ये कंटिन्यूस है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्रोडक्ट आज फुल प्रॉपर वे में डेवलप हो चुका है, टाइम के साथ वो अपने आप को डेवलप करता ही रहता है, चेंज करता ही रहता है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन और वन ग्रुप और वन पर्सन और वन डिपार्टमेंट इन द कंट्री। अब जो डेवलपमेंट होता है ये किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना किसी एक ग्रुप की होती है। डेवलपमेंट होता है कि मतलब पूरी ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी डेवलपमेंट को करते हैं, तो ये किसी कह सकते हैं किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला बनता है आपका ब्रांडिंग, कि व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग होता क्या है। तो आप अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते, जैसे आपने एप्पल का फोन परचेज किया, तो क्या है अपने आप में एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, मतलब एक ऐसा नाम जिसमें लोगो भी होता है, कोई नाम भी हो सकता है, या कह सकते हैं आप उसको कोई सिंबल भी हो सकता है जो कि उस प्रोडक्ट की एक पहचान बन जाता है, वही कहलाता है आपका, जिसके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को पहचानते हैं। और अलग जैसे कि मार्केट में 10 तरह के प्रोडक्ट है, लेकिन आप किस तरह उस प्रोडक्ट को पहचान रहे हैं उसके नाम से, उसके लोगों से, तो वही उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कहलाती है, उस प्रोडक्ट की ब्रांड कहलाती है। ब्रांड इज नेम, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विस ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोस ऑफ अदर्स। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज इज नोन एज ब्रांड नेम। तो जिस पार्ट को हम बोलते हैं, ब्रांड के जो पार्ट बोला जाता है उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम। द पार्ट ऑफ ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन एंड एक्सक्लूसिव यूज बाय द सेलर इज नोन एज ट्रेडमार्क। और जो सेलर को एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन देते हैं ब्रांड के नाम की, उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क, कि उसके हम नाम को, उसकी ब्रांड को कोई और यूज ना कर सके। और अगर हम सर्विस की बात करें, तो अगर सर्विस के अंदर हमारे सेलर्स को कोई प्रोटेक्शन दी जाती है, लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसको कहते हैं सर्विस मार्क। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके ब्रांडिंग के, क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स और कह सकते हैं आपकी एडवांटेजेस दोनों सेम ही होती हैं, क्योंकि कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है तभी हम उस काम को करेंगे, और उस वर्क को करने के बाद हमें वही बेनिफिट मिलते हैं, वही एडवांटेजेस मिलेंगे जिसके लिए कि हमने उस काम को किया होता है। फर्स्ट है, क्रिएट आइडेंटिफिकेशन एंड ब्रांड अवेयरनेस, कि अपने प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस होती है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, गारंटी या कर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सेटिस्फेक्शन। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, हेल्प टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, हेल्प टू जस्ट प्रोडक्ट। तो ये कुछ हमारे कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रांडिंग्स की। ब्रांड फैमिलियरिटी लेवल क्या होता है, ब्रांड फैमिलियरिटी लेवल, अब इसके बारे में बात करें, क्योंकि कोई ब्रांड मार्केट में आता है तो ये नहीं होता कि वो एक ही दिन के अंदर अपनी एक गुडविल बना लेता है, अपनी एक पहचान बना लेता है, उसकी चार स्टेज उसको फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला फेस होता है ब्रांड नॉन रिकॉग्निशन, जब ये मार्केट में पहली बार आता है कोई प्रोडक्ट तो उसके बारे में कोई नहीं जानता, कस्टमर उसके बारे में अवेयर नहीं होते, तो इस टाइम कह सकते हैं ब्रांड को बहुत ज्यादा कह सकते हैं टाइम सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। इसके बाद दूसरा फेस होता है ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड रिकॉग्निशन में कस्टमर उस चीज को कह सकते हैं कि एक तरह से रिमेंबर करने लग जाते हैं कि उन्होंने हाँ शायद उसे कहीं देखा है या कहीं सुना है उस ब्रांड के बारे में, मतलब रिकॉग्निशन हो जाती है, लेकिन अभी उनका जो एक बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है, वो उस ब्रांड के खिलाफ, ब्रांड के साथ नहीं होता, बस हाँ इतना हो जाता है कि उनकी एक नॉलेज में होता है कि इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट है ब्रांड परफॉर्मेंस। अब इसमें होता है कि कस्टमर चूज अ पर्टिकुलर ब्रांड आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और हैबिट और डेलिबरेटली आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसके जो पास्ट उनका कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पर उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। तो मतलब अब वो पर्सन उसको परचेज भी करने लगे हैं और उसको जज भी करने लगे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी क्वालिटी है, कैसा उसका कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल है। और लास्ट होता है ब्रांड इंसिस्टेंस। अब इसमें होता है कस्टमर इंसिस्ट और हैविंग अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड विलिंग टू सर्च एंड वेट फॉर इट। अब आखिरी में क्या होता है, अगर कोई ब्रांड मार्केट में पॉपुलर हो गई, कस्टमर्स को कह सकते हैं पसंद आ गई, तो कुछ टाइम बाद जब कस्टमर मार्केट में जाता है तो कस्टमर उसी ब्रांड को ही ढूंढता है हर जगह,
बेशक उसके लिए वेट करना पड़े, ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा पे भी करना पड़े, उसके लिए भी तैयार होता है, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए होती है उस टाइम पे, वही ब्रांड चाहिए होती है जिसको इंसिस्ट कर रहा है। तो ये आपके चार टाइप्स के फैमिलियरिटी लेवल होते हैं ब्रांड के। ब्रांड नेम फीचर्स आप देख लेंगे कि आपके ब्रांड नेम्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है किसमें 7 से 8 पॉइंट आपके, किस तरह ब्रांड नेम होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे आपका छोटा होना चाहिए, स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप इजिली बोल सकें, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए कि जो भी आउट ऑफ डेट ना हो, मतलब वो यूनिवर्सल होना चाहिए आपका, जो आप नाम डिसाइड कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए, जैसे फेयर एंड लवली, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा था। और आपके कह सकते हैं आपके को ये भी कोई जेनरिक नेम्स नहीं होने चाहिए, जैसे सोप है, ऑटोमोबाइल है, फर्नीचर है, इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए आपके ब्रांड के, क्योंकि कह सकते हैं एक तरह से जेनरिक नेम है ये, आपको कोई स्पेसिफिक नेम होना चाहिए इनसे हटके। इट शुड बी फ्री टू यूज बाय कंपनी विदाउट एनी लीगल रजिस्ट्रेशन, आपका ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी भी कंपनी आपके ऊपर बैन ना कर सके, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले सके, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्रीली यूज कर सके, मतलब किसी दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए आपका नेम। एक यूनिक फीचर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एक यूनिक फीचर शो करना चाहिए। इट शुड बी राइमिंग, आपका जो प्रोडक्ट का नाम होता है वो एक राइम के अंदर होना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए। प्रोडक्ट शुड बी रिमेंबर इजिली, और प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जिसको इजिली याद किया जा सके, जैसे आपका टाटा है, बाटा है, एप्पल है, ये कुछ ऐसे नाम है जिनको कोई भी एक बार सुनते ही याद कर सकता है। पैकिंग, पैकिंग क्या होता है, पैकिंग इज द साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज। पैकिंग ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इवेल्यूएटिंग एंड प्रोडक्ट पैकेज। पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयर फूड फॉर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड एंड यूज। तो इसमें जो आपकी लास्ट डेफिनेशन है इसके, ये आप याद कर सकते हैं कि एक तो से एक ऐसी प्रोसेस होती है पैकिंग जिसके थ्रू प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जाता है कि उसको किस तरह ट्रांसपोर्ट में ले जाया जाएगा, वेयर हाउस में किस तरह स्टोर किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स के लिए, सेल्स के लिए, या आखिरी कस्टमर तक उसको किस तरह पहुंचाया जाएगा, कि प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए कि जब वो कस्टमर तक पहुंचे तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई फर्क ना पड़े। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पैकिंग के। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, कि आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा होता है प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड प्रेजेंटेशन, कि जैसे आपकी पैकिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना ही इफेक्ट करेगी हमारे कस्टमर्स के माइंड पर। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर एफ्लुएंस। और नेक्स्ट आपका इंटीग्रल मार्केट कॉन्सेप्ट। सेल्फ सर्विस है, आपकी पैकिंग होती है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में खुद की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा नहीं है, उसके क्या फीचर्स हैं, इन सभी के बारे में, कंज्यूमर एफ्लुएंस, कंज्यूमर को एफ्लुएंस करने के लिए। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूनिट की वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। इसमें नॉर्मली हमारे पास 7 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका कॉस्ट प्लस मेथड। अब इसमें क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, स्पेशल, पैकिंग, मार्किंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, लेबलिंग, अकॉर्डिंग फॉरेन मार्केट प्लस प्रॉफिट। जिसमें होता है कि हमारा जो लीड होता है हाई प्राइस होता है, मतलब हमने सारे के सारे एक्सपेंस और प्लस प्रॉफिट, मतलब हम जितना प्रॉफिट चाहते हैं और जितना हमने एक्सपेंस किया है उस प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो सारे इसके अंदर ऐड होते हैं। तो सबसे हमारा जो हाई प्राइस होता है वो कॉस्ट प्लस मेथड का होता है। दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसके अंदर होता है कि हम सिर्फ अपने जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हमारे रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और पैकिंग है उनको ऐड करते हैं, एंड अदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट मटेरियल कॉस्ट इट इज सुटेबल टू एंट्री एनी मार्केट प्राइस इज लो। तो ये सिर्फ अपने डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। अब उन्होंने किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन किया, उस फैक्ट्री का रेंट कह सकते हैं, फैक्ट्री का लाइट का चार्जेस होता है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल चार्जेस, या आपने अगर कोई मार्केटिंग कॉस्ट करी है दूसरी कंट्री में एंटर करने के लिए तो उसकी चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। और ये सबसे एक सूटेबल तरीका होता है किसी दूसरी कंट्री के मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो लो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है प्रॉफिट लेते भी है वो एकदम मार्जिनल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट रहता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। प्राइस डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिमांड और कॉम्पिटिशन फॉर प्रोडक्ट प्राइस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब आपका जो डिफरेंशियल प्राइसिंग होता है ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री की क्या डिमांड है, वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और कैसी वहां पर कह सकते हैं कंडीशन है हमारे प्रोडक्ट की, हर कंट्री में अलग अलग होता है। हो सकता है आपका एक ही प्रोडक्ट आप 4 तरह की कंट्री में सेल करते हैं तो चारों कंट्री में उसके जो प्रोडक्ट के प्राइस होंगे वो अलग अलग होंगे। नेक्स्ट होता है आपका प्रो प्राइसिंग। दे आर नॉट एक्सपीरियंसड इन इंटरनेशनल मार्केट, द प्राइस डिसाइड्स ऑन सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइस वैल्यू यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट द पैरामीटर्स ऑफ प्रो प्राइसिंग। तो प्रो प्राइसिंग में कह सकते हैं इन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो इसके अंदर ही प्राइस किस तरह डिसाइड करते हैं कि उनकी कितनी वॉल्यूम सेल्स हो रही है और उनकी वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की।
मतलब इनके हिसाब से अपनी वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना प्राइस रखना है। अगर उनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है, बहुत ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो रही है उनकी, तो वहां पर प्राइस बढ़ा सकते हैं। अगर उनकी कह सकते हैं वहां पर सेल्स घट रही है तो वहां पर प्राइस घटा सकते हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। प्राइसिंग इज कवर ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। द प्राइस लेवल इज लोवेस्ट और समटाइम्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये होता है अगर आप किसी मार्केट में, सिर्फ आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वहां के मार्केट शेयर को एक्वायर करना, तो वहां पर आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यूज करते हैं। ये सिर्फ आपकी जो कॉस्टिंग होती है प्रोडक्ट की, सिर्फ उसी को लेती है कस्टमर से, मतलब इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। और कई बार यहाँ पर जो प्रॉफिट, जो वैल्यू होती है प्राइस की, वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से भी कम हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसका तब यूज किया जाता है जब आपको किसी मार्केट में एंटर करना है और वहां पर अपने प्रोडक्ट को आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहां के जो मार्केट शेयर है उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो अब आप यूज करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग। द टाइप ऑफ प्राइसिंग इज रिस्टोर्टेड टू बाय एन एक्सपोर्टर्स हु हैज गेन अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन अ फॉरेन मार्केट एंड हैज एक्वायर्ड अ हाईली कॉम्पिटेटिव पोजिशन with an image of dependable supplier of similar product, this type items price are high and they earn or maximize their profit. तो स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है कि जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, आपका एक नाम एस्टैब्लिश हो चुका है फॉरन मार्केट के अंदर, आपकी अच्छी गुडविल है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद करे जा रहे हैं, आपकी एक अलग ही यूनिक प्रोडक्ट है आपका अदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी एक ब्रांड बन चुकी है तो आप वहां पर जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब वहां पर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे अच्छी है, आपकी जो कस्टमर्स के माइंड में वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वहां पर जो कह सकते हैं सबसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है वो स्कीमिंग प्राइसिंग के थ्रू होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। अब सेट प्राइस अकॉर्डिंग डिमांड और कॉम्पिटेटिव फर्म प्रोडक्ट प्राइस। अब इसमें होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरह डिसाइड करेंगे, हम अपने जो कॉम्पिटेटिव फर्म्स हैं उनको देखेंगे और उनके जैसे प्राइस होंगे, उनकी जैसी पॉलिसीज होंगी प्राइसिंग की, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि अगर किसी फर्म्स ने अपने प्राइस को, हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है और उसने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, तो हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते। अगर उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो कम भी नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को। इस तरह से एक हेल्थी कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने के लिए हम अपने कॉम्पिटिटर्स की जो प्राइस होते हैं प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हम फिक्स करते हैं। तो ये थे आपके ब्लॉक 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी इसमें टॉपिक के बारे में और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसकी यूनिट वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।